नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। वक्त हो गया खबरों के पंचनामा का। आज दिल्ली में डबल मर्डर का क्या है सुई धागा कनेक्शन, बताएंगे आपको विस्तार से। आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्यों कहा नीतीश कुमार करा रहे हैं उनकी जासूसी, पूरी खबर देखिएगा। और मध्य प्रदेश के चुनावों में हो गई है महाभारत के किरदारों की एंट्री, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को कहा है कौरव क्यों, ये आपको बताएंगे। इटली में दीपिका और रणवीर ने पिछले 24 घंटे में दूसरी बार शादी कर ली है, इटली से खास तस्वीरें हम आपके लिए लाए हैं। तो आइए पंचनामा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर में देश में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल खुफिया विभाग ने कहा है दिल्ली में 6 से 7 आतंकवादी हमले की फिराक में। पंजाब इंटेलिजेंस ने आशंका जताई है कि पाक समर्थित आतंकी पंजाब के रास्ते दिल्ली जा सकते हैं। जैश ए मोहम्मद के 6 से 7 आतंकी दिल्ली में हमला करने की फिराक में हैं। इन आतंकियों के पंजाब के फिरोजपुर इलाके में छुपे होने का अनुमान जताया गया है। इस अलर्ट के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो सतर्क है। वहीं इस बीच पठानकोट में 4 संदिग्धों की तलाश जारी है। ये लोग कश्मीर और पंजाब की सीमा पर माधोपुर में एक इनोवा कार छीनकर भागे हैं। पठानकोट से जुड़े रास्तों पर पुलिस कड़ी चेकिंग कर रही है, लेकिन संदिग्धों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अगली खबर बिहार से, जहां लग रहे हैं जासूसी के आरोप। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जासूसी का गंभीर आरोप लगा दिया। यही वो सीसीटीवी कैमरा है जिसका जिक्र करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जासूसी का आरोप लगाया है। ये कैमरा नीतीश कुमार के घर की बाउंड्री में लगा है। नीतीश कुमार का बंगला 3 ओर से सड़क से और एक तरफ से तेजस्वी के बंगले से घिरा है। सीसीटीवी कैमरे की जद में तेजस्वी के सरकारी बंगले का जो किचन है, बेडरूम है और लगभग आधा लॉन इस सीसीटीवी कैमरे की जद में आता है। तेजस्वी ने सीसीटीवी की तस्वीर ट्विटर पर भी साझा करते हुए नीतीश कुमार से पूछा है कि विरोधियों की जासूसी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए इसे तेजस्वी के पोल खुलने का डर बताया। देखिए, तेजस्वी यादव जी को डर इस बात का सता रहा है कहीं सीसीटीवी कैमरा में जो इनके देह व्यापार के आरोपी मनीष यादव ना आ जाए, कोई अपराधी उनसे मिलने ना आ जाए, डर इस बात का है। ये था तेजस्वी का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप। आगे बढ़ते हैं, अब अगली अहम खबर का जिक्र करते हैं। महिलाओं पर कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा और कहा कांग्रेस कौरव है जिन्हें महिला का अपमान करना भारी पड़ेगा। कन्या देवियां हैं भारतीय संस्कृति, कभी बेटी और बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो कौरवों का वंश सहित विनाश हो गया था। कमलनाथ, तुम और तुम्हारी कांग्रेस की तो हैसियत ही क्या है, मत करना अपमान कभी कहीं। शिवराज सिंह का यह बयान कमलनाथ के महिलाओं पर दिए गए बयान के बाद आया है। कमलनाथ ने महिलाओं को सिर्फ सजावट के लिए टिकट नहीं देने की बात कही थी। महिलाओं को टिकट देने में इतनी कंजूसी क्यों, 28 महिलाओं को आपने? देखिए, हमने महिलाओं को, जो जीतने वाली महिलाएं थी उनको टिकट दिया है। केवल एक कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए। तो शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। शिवराज सिंह ने राजगढ़ में चुनावी मंच से राहुल गांधी को भी घेरा और कहा राहुल को इतना भी नहीं मालूम कि प्याज आके रुकता कैसे। एक कंफ्यूज नेता, तू क्या भैया देश चलाएगा रे, तुझे तो ये भी पता नहीं कि प्याज कांदा जमीन के अंदर होता है, ये जमीन के ऊपर होता है। लगातार कांग्रेस पर सियासी हमले जारी हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने 64 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की यह बड़ी कार्रवाई है। इन 64 नेताओं को अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बाहर किए गए नेताओं में सरताज सिंह, रामकृष्ण कुशमारिया, नरेंद्र कुशवाहा, समीक्षा गुप्ता, लता मस्की, धीरज पटेरिया और राजकुमार यादव जैसे नाम शामिल हैं। अब इनमें से ज्यादातर नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी ने जो आवश्यक समझा, जो कठोरतम कदम है वो उठाया है उनके विरुद्ध, और हम ऐसा मानते हैं कि कई बार व्यक्ति समय जाने के बाद या समय के अनुसार बदलता है। हो सकता है चुनाव के पहले इनमें से भी कुछ लोग कहें कि हमसे भूल हो गई, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। शाहिद अफरीदी के कश्मीर पर दिए गए बयान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आगाह किया, कहा कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। बात तो ठीक कहा उन्होंने, वो ठीक कहा उन्होंने, तो पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे हैं, कश्मीर क्या संभाल पाएंगे? कश्मीर के बारे में कुछ सवाल ही नहीं, कश्मीर भारत का पार्ट था, है और रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के बयान के बाद ये पाकिस्तान को गृह मंत्री का जवाब था।
वहीं अपने बयान के बाद पाकिस्तान में घिरे आफरीदी खुद को बचाने में जुटे हैं। आफरीदी ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। भारतीय मीडिया मेरे बयान का गलत मतलब निकाल रही है। मैं अपने देश से प्यार करता हूं और कश्मीरियों के संघर्ष का सम्मान करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर आज महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा है, इसलिए उन्हें आरक्षण देने की जरूरत है। राज्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट आरक्षण देने के संदर्भ में सकारात्मक भी है। आयोग ने 45,000 मराठा परिवार का सर्वे किया, साथ ही 2,00,000 अर्जियों को सुना। मराठाओं को आरक्षण मिले या नहीं, इस पर सभी जाति के लोगों की राय ली गई। सभी ने आरक्षण देने की बात कही। मराठा समाज की महाराष्ट्र में जनसंख्या करीब 30 से 32% है। अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। 19 नवम्बर से राज्य का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले 18 नवंबर की शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मराठा आरक्षण का कानून बनाने के लिए इसे सदन में रखा जा सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का जिक्र करते हैं। आपको बता दें, आज दिल्ली हाई कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस पर सुनवाई हुई। अदालत ने किसी भी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे लगाया है। कोर्ट में आज एसोसिएट जनरल लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के मुखपत्र माने जाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के हाउस को 15 नवंबर को खाली करने का आदेश दिया था। ये आदेश लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर दिए गए थे। सरकार ने 30 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि ये दुर्भावनापूर्ण और खंडन करने के योग्य आदेश है, जिसे बदनीयत और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया गया। तो ये अहम सुनवाई आज कोर्ट में हुई। और उसके बाद एक और खबर का जिक्र हम करते हैं, जो कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आ रही है, जहां पर 84 दंगों के आरोपी पर आज कोर्ट के बाहर हमला हुआ। पुलिस ने बीच बचाव करके इस मामले को संभाला। 84 दंगों के आरोपी पर हाथ छोड़ने वाले ये अकाली विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा हैं। अदालत परिसर में सिरसा ने यशपाल सिंह को निशाना बनाया। पुलिस ने बीच बचाव किया, हालांकि दोनों ही गुटों के बीच अदालत परिसर में गाली गलौच हुई। यशपाल सिंह को 84 सिख दंगों के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। हालांकि सजा का ऐलान 20 नवंबर को होगा। राजधानी दिल्ली में ही आज एक चौंकाने वाला अपराध हुआ है। दिल्ली के वसंत कुंज में फैशन डिजाइनर और उनके नौकर की हत्या कर दी गई। इस हत्या को अंजाम फैशन डिजाइनर के दर्जी ने दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही तीनों आरोपी हैं, जिन्होंने अपनी मालकिन और फैशन डिजाइनर माला लखानी को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 53 साल की माला लखानी की हत्या उनके यहाँ काम करने वाले दर्जी ने ही अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर की। कल रात आरोपियों ने फैशन डिजाइनर को नए कपड़े तैयार करने का बहाना देकर बुलाया और उनकी हत्या कर डाली। इस बीच माला लखानी के घर पर काम करने वाले 60 साल के बुजुर्ग नौकर बहादुर मौके पर पहुंचे तो तीनों ने उनकी भी धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद तीनों घर से कीमती सामान और गहने लूटकर फरार हो गए, लेकिन कुछ समय बाद तीनों आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और हत्या की वारदात कबूल ली। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी रिश्तेदार हैं और 3.5 साल से फैशन डिजाइनर माला लखानी के यहाँ काम करते थे। पुलिस अब लूटे गए सामान की रिकवरी में जुटी हुई है। सबको ये पता था कि वो लगातार फोन पर संपर्क में थे, घर पर थे, तो ये दबाव था और उनको ये बिल्कुल आशंका थी कि उनको जरूर पुलिस ने पकड़ लेगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पुलिस को सूचना देती है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने एक बच्ची की जान ले ली, वहीं 8 लोगों को घायल कर दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं तो जरा संभल कर चलिए, क्योंकि कब तेज रफ्तार कार मौत बनकर आ जाए पता नहीं। ये तस्वीरें कल रात की हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में मीरा रोड की रेड लाइट पर जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए कैसे एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार साइकिल सवार और सड़क से जा रहे लोगों को टक्कर मारती हुई तेजी से निकल जाती है। इस बेकाबू रफ्तार के कहर ने 15 साल की बच्ची और एक महिला की जान ले ली तो वहीं 8 लोगों को घायल कर दिया। आरोपी दिल्ली के कॉलेज का रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो अस्पताल में भर्ती है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये बस और एक बीच में इनके अंदर रिक्शा डैमेज हो चुका था। ठेला था जिसके अंदर सरिये लदे हुए थे, वो सरिये उस पूरी फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर अंदर तक घुस चुके थे। तो कई लोग चीख पुकार रहे थे, किसी खून निकल रहा था, किसी कुछ, एकदम से मतलब इतनी भयानक स्थिति थी वहां पर कि अपने दिमाग पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और अगली खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सिग्नेचर ब्रिज हुड़दंगियों का अड्डा बनता जा रहा है।
लोग खतरनाक ढंग से सेल्फी ले रहे हैं। ब्रिज पर रिकॉर्ड किया गया एक अश्लील वीडियो अब सोशल मीडिया पर बाकायदा शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो सिग्नेचर ब्रिज का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ किन्नर बेशर्मी से अपने कपड़े उतारते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनके वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद न्यू उस्मानपुर थाने में अश्लीलता फैलाने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये जो एक्यूज थे जिनके ऊपर ऑब्सिनिटी के चार्जेस हैं, उनकी आइडेंटिफाई कर लिया गया, जल्दी उनको हिरासत में लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सिग्नेचर ब्रिज पर अब आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग खतरनाक सेल्फी ले रहे हैं तो कुछ लोग खतरनाक स्टंट करते भी देखे गए हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए ना पुलिस दिखी और ना ही नजर रखने के लिए CCTV ही लगे मिले। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मुंबई के मानखुर्द से है, जहां महाराष्ट्र नगर में रहने वाली 4 साल की बच्ची को एक महिला ने लिफ्ट में बंद करके बेरहमी से पीटा। 4 साल की मासूम बच्ची को बुरी तरह पीटने वाली यह महिला रिजवाना शेख है। रिजवाना ने बच्ची को लिफ्ट के अंदर न सिर्फ पीटा बल्कि उसके ऊपर बैठ भी गई। इस बीच कई लोगों ने लिफ्ट खोलने की भी कोशिश की, पर रिजवाना ने लिफ्ट खोलने नहीं दी और बच्ची को बेरहमी से पीटती रही। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बच्ची इस महिला की मारपीट का शिकार होती रही। इसके बाद जब लड़की चिल्लाने लगी तब लोगों ने उसे बाहर निकालकर आरोपी महिला को पुलिस के हवाले किया। इस मामले में लड़की को शरीर पर हल्की सी चोट आई है। ये घटना कल दोपहर की है, जब बच्ची खेलने के लिए लिफ्ट से जा रही थी तभी रिजवाना ने इसे लिफ्ट के अंदर बंद कर पीटना शुरू कर दिया। तो वाकई बेहद दर्दनाक तस्वीरें जो कि CCTV के माध्यम से सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां नक्सलियों ने IED हमलों के लिए अब सीमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुलिस ने ऐसा ही एक IED बरामद किया। धमाके की ये तस्वीरें बयां करती हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों की। IED ब्लास्ट को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अब नक्सलियों ने सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राजनांदगांव में 3 ऐसे ही IED को पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें सीमेंट का सांचा बनाकर IED लगाई गई थी। पुलिस ने 2 IED को नष्ट कर दिया है, वहीं 1 IED को जाँच के लिए राजनांदगांव के बकरकट्टा थाने में भेजा गया है। और अब बात करते हैं सबरीमला मंदिर विवाद की, जो एक बार फिर गर्मा रहा है। आज त्रिवेंद्रम में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहीं भूमाता ब्रिगेड की संस्थापक तृप्ति देसाई मंदिर में प्रवेश की तैयारी में है। तृप्ति देसाई ने सबरीमला में प्रवेश के लिए राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की है। कल जो है वो केरला में हम दोपहर तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है वो 17 तारीख को सुबह हम जो है वो प्रवेश करने के लिए जाने वाले हैं। और इसी बारे में जो है वो CM केरला और DGP केरला को हमने लेटर लिखा था, लेकिन हमें कोई भी जो है वो रिप्लाई नहीं दिया गया है। वहीं अयप्पा धर्म सेना के अध्यक्ष राहुल ईश्वर ने तृप्ति देसाई को मंदिर न आने की चेतावनी दी है। अगर आपको शबरीमला पे इन्वेड और इंट्रूड करना होगा तो हमारे सीने पे पैर रखकर ही जाना होगा। दूसरी ओर आज मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस और BJP ने बैठक बीच में ही छोड़ दी। वहीं केरल के मुख्यमंत्री PV ने महिलाओं के प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाने के संकेत दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर की गई 49 याचिकाओं पर 22 जनवरी से सुनवाई की जाएगी। और अब बात दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की, जिसे लेकर आज NCT ने 5 राज्यों के अधिकारियों को बुलाया और कई अहम फैसले लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली, UP, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। NGT ने कहा, जो किसान फसल जलाते हुए पकड़े गए हैं उनको राज्य सरकार द्वारा दी जा रही बिजली माफी जैसी छूट ना दी जाए। साथ ही NGT ने केंद्रीय कृषि सचिव को सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ निरंतर मीटिंग करने की सलाह दी। अब इस मामले में 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, उससे पहले 4 राज्यों को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि दिल्ली NCR में बीती रात हुई बारिश के बाद प्रदूषण थोड़ा कम जरूर हुआ। दोपहर 3 बजे आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 दर्ज किया गया, वहीं अशोक विहार में 259 रहा, जहांगीरपुरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 के पास रहा। देश के उत्तरी हिस्सों में मौसम मिजाज बदल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हर तरफ पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए। एक तरफ मौसम सुहाना हो रहा है और दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से मुश्किल। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का 32 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। इस साल इस सीजन में जितनी बर्फ पड़ी है उतनी बर्फ 1986 में पड़ी थी। श्रीनगर में एक तरफ जहां सैलानी बर्फबारी का मजा लेते दिखे, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने सैलानियों और स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी बढ़ाई। जोजिला पास में भारी बर्फबारी के बीच पुलिस टीम भी फंस गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नारकंडा सफेद बर्फीली चादर में लिपटा नजर आया। बर्फबारी का लुत्फ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उठाया। शिमला के खड़ा पत्थर इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए। लाहौल स्पीति के कोकसर
इलाके में ठंड इतनी बढ़ गई है कि एक दो सैलानी ही नजर आ रहे हैं। सोलंग इलाका भी बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। किन्नौर की सांगला घाटी भी बर्फ से ढकी काफी खूबसूरत नजर आई। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। बद्रीनाथ धाम में कुछ सैलानी बर्फबारी को कैमरे में कैद करते नजर आए। पंचनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं दीपिका और रणवीर की शादी की। कोंकणी रीति रिवाज के बाद आज दीपवीर दोबारा सिंधी रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध गए। कोंकणी रीति रिवाज से शादी के बाद दीपिका और रणवीर की ये तस्वीरें, जिसमें काली छतरियों के पीछे छिपी मस्तानी, जिसे बाजीराव इस बोट पर बैठाकर अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आज सिंधी रीति रिवाजों से दोबारा शादी कर रहे हैं। इटली के लेक कोमो में रस्में होंगी। पूरा विला रणवीर की पसंद के लाल फूलों से सजाया गया है। आज वहाँ मंडप सज रहा है, रोजेज और पत्तियों को मिलाकर बहुत ही रोज फ्री थीम्ड मंडप तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर आज यहाँ पर दीपिका और रणवीर की सिंधी ट्रेडिशन के हिसाब से शादी होने वाली है। बुधवार को उन्होंने कोंकणी रस्मों से शादी की थी, तब विला को दीपिका की पसंद के सफेद फूलों से सजाया गया था। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।